तो दोस्तों नवरात्रों का त्यौहार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सभी ने माँ की श्रद्धा से आरती अर्चना पूजा और क्या यहाँ पर व्रत भी रखे। कई लोग ये सोचते हैं कि व्रत खत्म हो चुके हैं अब हम खाएं क्या, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये आती है दसवीं या विजयदशमी की अगर हम बात करें तो इस दिन माँ ने महिषासुर का संहार किया और श्री राम ने रावण को उसके जीवन से उद्धार किया। तो आज हम एक स्कूल में आए हैं जहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल डील में देने के लिए हमारी मैम हमारे साथ हैं। तो मैम त्यौहार शुरू हो चुके हैं, दशहरा शुरू हो चुका है, तो आप किस तरह से जिस तरह से आप आज मना रहे हैं, क्या कितने सालों से आप ये त्यौहार इन बच्चों के साथ मना पा रही हैं? इन बच्चों के साथ तो ये मेरा पहला है क्योंकि स्कूल मैंने अभी रिसेंटली ही अप्रैल में स्टार्ट किया है, बट हाँ जब तक हम रहेंगे डेफिनेटली हम इसको आगे करते जाएंगे जी। कहीं ना कहीं अगर बात करें हम एनजीओस की या फिर बाकी चीज़ों तो हर कोई कुछ ना कुछ स्पेशल बच्चों के लिए करता ही है, लेकिन मैम ने जैसे तरह बताया कि 4 अप्रैल से इन्होंने इन बच्चों को अपना एक सहारा दिया, इन बच्चों के साथ समय बिताया, तो काफ़ी अच्छा इन बच्चों के साथ आपको समय बीत रहा होगा। तो मैम किस तरह से आगे कब तक आपको ये सब करने की इच्छा है, अगर आगे कितने सालों तक आप ये त्यौहार मनाएं? लॉन्ग, जब तक मैं, बिकॉज मेरा ये प्रोफेशन है बेसिकली, आई एम स्पेशल एजुकेटर, आई एम ट्रेन फॉर दीज काइंड ऑफ किड्स, तो मैं इन्हीं के साथ काम करूंगी जब तक जीऊंगी। तो यहाँ पर ठीक है मैम ने तो बता दिया, अब हम बच्चों से एक बार जरूर ये बात पूछ लेंगे कि उनको कितना मजा आ रहा है, वो किस तरह से वो अपना दशहरा या दिवाली का त्यौहार अगर हम कहें तो किस तरह से वो कितने उत्साह से वो मनाते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि किस तरह से आप ये त्यौहार को इंजॉय करते हैं, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अब रावण जलाने की, तब तक के लिए मुझे दीजिए ज्यादा धन्यवाद। Happy birthday!